अस्सलाम वालेकुम भाई उनकी खालाजात बहनों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साल का अख्ताम होने वाला है, नए साल की आमद है और इस साल मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स किए हैं, कुछ गोल्स पूरे किए हैं, कुछ सीखा है, कुछ सिखाया है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कई जगह पर ट्रैवल किया है। तो ये सारी चीज़ों का मैंने सोचा कि एक रिव्यू बनाया जाए और आप लोगों को बताया कि ये साल मेरा कैसा गुजरा। सो लेट्स स्टार्ट विद जनवरी। तो भाई जनवरी में कुछ यूँ हुआ था कि मेरे कंटेंट अपलोड की स्पीड जो है काफ़ी स्लो हो चुकी थी, तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया, 7 डेज़ व्लॉग चैलेंज, जिसमें एक करेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराया जमीर भाई के नाम से कि वो आते हैं मुझे चैलेंज देते हैं। 7 दिन तक मैंने कंटिन्यूस व्लॉग बनाया और ये अनाउंस भी कर दिया था, तो इससे मेरे पर एक बर्डन भी था कि यार अब तो बनाना है। यही मुझे चीज़ करनी थी, देखनी थी कि क्या मैं इतना कॉन्टेंट सोच सकता हूँ डेली बेसिस पर, उसको एडिट कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो ये मैंने अपने आपको चैलेंज दिया। उससे क्या हुआ कि मेरी कॉन्टेंट अपलोड की स्पीड, एडिटिंग स्पीड, सोचने की स्पीड, सारी चीज़ें इंप्रूव हुई। तो ये मैंने जनवरी के अंदर एक छोटी सी चीज़ अचीव की। अच्छा, तो फरवरी में जो हुआ वो शायद मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा करीब है और हमेशा रहेगा, और वो ये हुआ कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रे पर गया, मतलब भाई बहन बच्चे बेगम अम्मी अबू सब लोगों के साथ उम्रे पर। किसी के दिल में ये ख्वाहिश नहीं थी कि यार मैं भी जाता, सब लोग गए। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और वहाँ पर मैंने 3 वीडियोज़ बनाई, एक मक्का के अंदर, एक मदीना की हिस्टोरिकल प्लेसेस ज़ियारतें वगैरह दिखाई और एक हाउ आई परफॉर्म्ड उम्रा के नाम से वीडियो बनाई। और उस पर जो कॉमेंट्स आए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार लोग कह रहे हैं कि हम उम्रे पर जा रहे हैं और आपकी ये वीडियो जो है ना हमारे उम्रे में काम आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छे से ज़बरदस्त करवा दिया अल्लाह ताला ने, और मेरे ख्याल से ये पूरे साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेरी। और फिर आ गया मार्च, और मार्च में यूट्यूब ने हमारी अंतक मेहनत को देखते हुए हमें मेहनत का फल दिया, और वो फल था सिल्वर प्ले बटन और 100K सब्सक्राइबर्स। मुबारक हो भाई, केक तो महंगा वाला लग रहा है। अरे यार मैं केक नहीं खा रहा यार, वो मूंछों पे लग गया था, लोग कहते हैं मकरू हो गया, पता है ना तुम्हें लोग का। और फिर आ गया अप्रैल, और अप्रैल में एक निजी चैनल ने बड़ी ओछी हरकत कर दी, हमारे फेरी मेडोज के ड्रोन शॉट्स उठाकर अपनी डॉक्यूमेंट्री में लगा दिए। तो हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई और उनको बताया कि हर बार आप बाजी नहीं लेके जाओगे, कभी कभी हम भी ले जा सकते हैं। और एक दिन अचानक फेसबुक पे काशान भाई ने मुझे टैग किया कि समा ने एक वीडियो चुराई है जिसमें ड्रोन शॉट सारे मेरे थे। मुझे देख के बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि मेरे साथ ये एक आध दफ़ा पहले भी हो चुका है जिसका क्रेडिट्स बिल्कुल भी नहीं मिला था, और इस दफ़ा ये फिर से यही हुआ। फिर 13 सितंबर 2018 को मैंने एक और ब्लॉग अपलोड किया, फेरी मेडोज टू खुजराब पास, और उसके अंदर से भी काफ़ी शॉट्स हैं उन्होंने चुरा लिए हैं, वही कोई क्रेडिट नहीं, कोई करटेसी नहीं, और चलाकी से चुराए गए ताकि हमारे जो फेस वाले शॉट जिसमें हम आ रहे हैं वो नहीं लिए गए, बल्कि कोई ड्रोन शॉट ले लिया या कोई ऐसी सीनरी है वगैरह उसके शॉट्स ले लिए। किसी का भी कंटेंट उठाओ, अपना पैकेज बनाओ और चलाओ, मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो फिर मई के अंदर हमने पहला कदम रखा टेक वर्ल्ड में। मेरे पास एक मोबाइल अनबॉक्स के लिए आया था, मैं सोच रहा था कि इसको किस तरह क्रिएटिवली अनबॉक्स किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा तो डिफरेंट होना चाहिए। तो फिर एक करेक्टर बनाया टेक्निकल चाचा के नाम से, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया। उनका एक खास गेटअप होता है, ये टोपी और कुर्ता वगैरह पहनते हैं, और उस वीडियो के अंदर मैं भी होता हूँ, चाचा से नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और ख़ास बात है ना चाचा की, वो ये है कि वो जो पूरी अनबॉक्सिंग के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, वो खालिस उर्दू होती है। मतलब वो मेमोरी कार्ड को बोलते हैं याददाश्त बढ़ाने वाला कार्ड, मेगापिक्सल को बोलते हैं अजीम पिक्सल वाला कैमरा, प्लेट्स को रखा भी बोलते हैं। तो उर्दू ज़बान को ना ख़ास इंपॉर्टेंस दी मैंने, और बड़ा अच्छा करेक्टर निकला, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था, ब्रांड को बहुत पसंद आया, ऑडियंस आप लोगों ने बहुत सराहा इस चीज़ को। तो फिर वो वीडियो रियलमी के लॉन्च इवेंट के अंदर वो चली, और वहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ भी बैठे हुए थे, और आई थिंक वो लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग दुनिया में जाकर अपनी ज़बान में स्पीचेज देते हैं, आज ये बंदा जो है हमारे मोबाइल को अनबॉक्स कर रहा है और अपनी ज़बान में कर रहा है। और देखने पर पता चलेगा कि नीचे एक सुराख है जो कान फोन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही एक चपटा सुराख जो बरकी तवानाई के लिए किया जाएगा। और फिर आया जून, और जून में आया टेलीफोन फ्रॉम सुजुकी पाकिस्तान की, हम लोग अपनी एक कार लॉन्च करने वाले हैं, ऑल्टो 660 CC, तो क्या आप आएंगे और व्लॉग बनाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। तो बस हम तीनों पहुंच गए, यानी कि मैं, टेक्निकल चाचा और ज़मीर भाई, और हमने वहाँ व्लॉग बनाया, स्टोरी बेस्ड व्लॉग था, बड़ा अच्छा लगा लोगों को, ब्रांड को भी बहुत पसंद आया। और पसंद आने की वजह ये थी कि उसके अंदर जो दो बंदों की कोऑर्डिनेशन थी ना, यानी कि मेरी और ज़मीर भाई की, जो कि हम ही हैं, वो ये फील नहीं हो रहा था कि यार ये एक ही बंदा है, और अलग अलग यही फीलिंग आ रही थी कि ये दो कोई अलग बंदे हैं।
तो बड़ा अच्छा लगा ये एक नई चीज़ ट्राई करके, और उसका रिस्पांस भी अच्छा आया। और फिर आ गया जुलाई, और जुलाई में मैं आया एक और फ़ोन कि भाईजान आज़रबैजान चलने के मूड है। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो हमने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया, प्रमोशनल वीडियो बनाई कि हम लोग बाकू जा रहे हैं, अगर आप लोग चलना चाहते हो तो चलिए हमारे साथ। तो काफ़ी सारे लोग ऑन बोर्ड आ गए, तकरीबन 60-65 लोग हो गए थे। लेकिन एंड मोमेंट पर हम बात की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से हम बात जा नहीं सका। लेकिन भाई काम तो काम है, वीज़ा लग चुके हैं, लोग आ चुके हैं हमारी वजह से, तो हमें जाना पड़ा। तो मैं और फैसल बाकू गए, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा मुल्क है, बड़ी अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे खाने हैं, बड़ी अच्छी हमारी टूर गाइड थी। और फिर आ गया अगस्त, और अगस्त में आपके भाई की बर्थडे होती है। जी हाँ, पहले ही बता दिया 1 अगस्त को अगले साल गिफ्ट पहुंच जाना चाहिए, फिर ना बोलना कि बताया नहीं। खैर, तो अगस्त के अंदर ईद करीब करीब थी और स्कूल्स की छुट्टियां हो चुकी थी, मैं बाकू से आ चुका था, मानो को होमवर्क मिल चुका था, समर वेकेशन होमवर्क था, करवाना तो था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर इस होमवर्क को करवाते हुए हम इसको रिकॉर्ड कर ले, इसकी वीडियो बना ले, इसका व्लॉग बना ले, तो ये हमेशा सेव रहेगा और जब जब देखेगी इसको वो होमवर्क रिकॉल होगा। और ये ऐसा ही हुआ, मैंने वीडियो बनाई, उसमें हम लोग पौधा लेने गए, उसमें मस्जिद गए, और उसमें उसने चीज़ें ऑब्ज़र्व की, तो उसको बेसिकली ऑब्ज़र्व करवाना था। लेकिन जब अब भी वो वीडियो देखती है तो उसको याद आता है कि हाँ यार, पौधे का ख्याल ऐसे रखते हैं, और मस्जिद के अंदर इन इन चीज़ों का एहतराम करना चाहिए, और मस्जिद हम क्यों जाते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, हम क्या क्या करते हैं वहाँ पर। तो बड़ा अच्छा रहा। तो होमवर्क ऐसा करवाओ कि बच्चे को हमेशा याद रहे, ना कि सिर्फ चीक्स पर स्टार लेकर आ जाए, ठीक है। और फिर आगे सितंबर, और सितंबर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। मैं लास्ट ईयर गया था हुंजा गिलगित और ये खुजराब पास, और फिर हमाती शादी के पास जो है कश्मीर भी गया था। तो वहाँ पर व्लॉग्स बनाए थे और सारे मोबाइल से ही बनाए थे, लेकिन उसकी स्टोरी टेलिंग ऐसी थी कि लोगों ने बहुत पसंद किया और हमारी गवर्नमेंट ने भी पसंद किया। और इस सिलसिले में मुझे बुलाया गया, केपी की गवर्नमेंट ने बुलाया कि भाई आप आइए कुमराट वैली, बड़ी खूबसूरत जगह है, जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर डिस्कवर हुई थी। इमरान खान साहब जब वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ गए थे, वैसे तो लोग वहाँ रहते थे लेकिन टूरिस्ट के लिए वो बाद में हुई थी। तो वहाँ पर आए, व्लॉग बनाए, जश्न कुमराट के नाम से एक फेस्टिवल हो रहा है उसको कवर करिए। तो हम लोग पहुँचे और हमने फिर वहाँ पर व्लॉग बनाया, व्लॉग के साथ साथ वो अभी तक आया नहीं है, वो अभी एडिट पे चल रहा है, थोड़ा से प्रोसेस लंबे होते हैं गवर्नमेंट के। लेकिन मैंने एक और मिशन कुमराट के नाम से मैंने और असद ने बनाई एक ज़बरदस्त, और वो सस्पेंस और थ्रिलर टाइप की जो चीज़ें ना, वो मेरे दिल के बड़े करीब है कि वो कैसे वो दो बंदे कराची से कुमराट तक जा रहे हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं और क्या मिलेगा उनको आखिर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड आ रहा है, ज़रूर देखें, और मेरा तो ये फेवरेट काम है मेरा अपना। और फिर अक्टूबर में आई लॉस्ट समवन जो मेरे दिल के बहुत करीब था, दिल के जिगर के भी बहुत करीब था, यारी थी अपनी, मतलब हर वक्त का साथ, कहीं जा रहे तो साथ, वीडियोस बना रहे तो साथ, किसी बाहर मुल्क जा रहा तो साथ, मतलब हर वक्त साथ रहना। और फिर वो आपसे छिन जाए तो आप अपने आप को एक खालीपन सा फील करते हैं अपने अंदर ना। तो आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, लेकिन लोग बहुत नोटिस करते थे, बोलते थे। तो मुझे आज भी दिन वो याद है, 12 अक्टूबर का दिन था, और मैंने उस दिन फैसला किया कि भाई आज से हम लोग साथ नहीं रहेंगे। तो वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने 96 kg से 88 kg कर लिया, आई हैव लॉस्ट 8 kg ब्रो। और फिर नवंबर में मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, और ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसको सुनकर मैं उठकर बैठ गया, और वो था करतारपुर कॉरिडोर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट आया तो कैसे मना कर सकते हैं भाई, ज़रूर जाना है। और ये सब्जेक्ट था भी बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि करतारपुर जो है वो सिख यात्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली जगह है, और इंडिया से वो पाकिस्तान आ सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा ऑन अ सिंगल डे ट्रिप, तो आ सकते हैं, अपनी मजहबी रसूमात को पूरी करके वो जा सकते हैं। तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी, और उसको हमें बताना था कि हमने, पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा काम किया, दुनिया को बताया कि हम कितने जो है ना वो दिल वाले लोग हैं। तो उसको तो मुझे करना था, तो मैं गया, और मेरे साथ और यूट्यूबर्स भी थे, इरफान जुनेजो, रजा सम्मो, डक्की भाई, सलमान पारेख, आठ भाई वासिम, मुबीन, दानियाल, जियाद भाई, और ये सब चीज़ें जो है मुजम्मिल ने ये सब किया था, मुजम्मिल फ्रॉम लॉल्स स्टूडियोज़, तो थैंक्स टू हिम एज वेल। और बड़ा यार अच्छा था, हम लोग सब जो साथ जाते हैं एक प्रोजेक्ट करें, कोई अपने तरीके से शॉर्ट्स ले रहा है, कोई क्या बना रहा है, किसी ने इंटरव्यू बेस बनाया है, किसी ने स्टोरी टेलिंग की है। तो मतलब मैं कहता हूँ ऐसे प्रोजेक्ट्स बार बार होने चाहिए, और ये मेरा पूरे साल का सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था।
भाई वो कहते हैं ना कि भाई फिल्म कैसी भी हो लेकिन उसका अगर एंड अच्छा हो तो इंसान बोलता है नहीं फिल्म अच्छी थी। तो इसी तरह अगर आपके पिछले साल कैसे भी हो लेकिन अगर दिसंबर अच्छा हो जाता है ना तो फिर बंदा कहता है कि नहीं यार साल मेरा अच्छा गुजरा है। यही कुछ हमारे साथ हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमें बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर फॉर डिजिटल पाकिस्तान इवेंट। डिजिटल पाकिस्तान क्या है? बेसिकली एक इवेंट था जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज होने की बहुत ज़रूरत है। ई पेमेंट्स के हमारे जो मसाइल हैं, लैंड रिकॉर्ड निकलवाना है, कोई भी ऐसे मसले हैं उसको हम ऑनलाइन लेकर आएंगे सारी चीज़ों को। इसके लिए तानिया इदरूस जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थी गूगल के अंदर वो आई और वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं। और ये प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊं कि ये तानिया का या फिर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हर इंडिविजुअल पाकिस्तानी का प्रोजेक्ट है कि हम उसको ओन करें। सबसे पहली बात है ओनरशिप की, ओन करें कि यार हमें यहाँ पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, हम साथ हैं। जैसे हम हैं, मैं हूँ, मेरे कुछ जानने लाखों लोग जो हैं वो देखते हैं, तो मैं अपनी बात कन्वे करूँ ताकि लोगों को पता तो हो कि एटलीस्ट ये है क्या प्रोजेक्ट। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी हमारे लिए। 10 साल के अंदर कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि यार हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया हो। तो ये एंड जो है ना वो जाते जाते एंड कर गया। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरा ये ईयर इन रिव्यू, मेरा 2019 कैसा गुजरा है, आपको लोगों को पसंद आया होगा। जो जो मैंने अचीवमेंट जो मेरे लिहाज से बड़ी थी वो मैंने आपको बता दी। और दुआ है कि आप लोगों का आने वाला साल भी अच्छा खुशियों भरा हो और आप लोग जो हमारे गोल्स आपने सोचे हुए वो पूरे कर सके। मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि मेरे कुछ गोल्स मैंने अपने सोचे हुए, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, तो अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होगी मैं उन तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन आप लोग जो है वो दुआ भी याद रखें। और कोई भी मुश्किल आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई रुकावट आती है इंसान को, कहीं कहीं चीज़ों के अंदर वो रुक जाता है, सोचता है कि अब क्या करूँ, अब कैसे होगा, अब सब ख़त्म हो गया, उन सारी चीज़ों को आपको एक ही बात बोलनी है, आंखें बंद करनी है, दिल पे हाथ रखना है और कहना है चलो शाबा कटो।